आपने बहुत सारे बस स्टैंड को देखा होगा, कई स्टैंड तो इतने आधुनिक होते हैं कि वहां लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध होती है, लेकिन शायद ही आपने एक झोपड़ी में चलते हुए बस स्टैंड को देखा होगा। जी हाँ, एक ऐसा ही बस स्टैंड है झारखंड की राजधानी रांची के अनुमंडल में, जो झोपड़ी में चल रहा है। 10x8 फीट की झोपड़ी के बाहर बंडू बस स्टैंड सहयात्री पड़ाव का बोर्ड लगा हुआ है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा भी लगा हुआ है। बुंडू के इस बस स्टैंड का कार्यालय पिछले 5 सालों से इसी प्रकार एक झोपड़ी में चल रहा है। सारी बसें सड़क पर खड़ी रहती है, वहीं टोकन काटा जाता है और वहीं सवारी भी बैठती है। बुंडू बस स्टैंड है ही नहीं, रोड की जमीन NHAI की जमीन पे यहाँ पे बस लग रहा है और आने जाने में बहुत कोई को दिक्कत हो रहा है और हमेशा जाम हो जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है बहुत सारा। कल ही एक्सीडेंट हुआ था, उसको हमने उठाया। पब्लिक लोग आ रहे हैं, उन लोग का भी बैठने का यहाँ व्यवस्था नहीं है, तो मेरा विचार है कि लोग का यहाँ अगर देखो ये बन जाता तो ईस्टर्न बस स्टैंड बन जाएगा तो अच्छा रहेगा। वास्तव में पहले बस स्टैंड के लिए कोई जमीन नहीं थी, कई लोगों ने इसके लिए आंदोलन किया लेकिन कोई फल नहीं मिला, लोग आक्रोशित है। दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि बस स्टैंड के लिए जमीन को चिन्हित किया जा चुका है, जल्द ही प्रक्रिया शुरू होगी। अभी हम काफी अच्छे से इसको स्पीड अप कर पाए हैं काम को और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द बुंडू बस स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। क्या अनुमानित समय लगेगा, क्योंकि बस स्टैंड को लेकर खास करके गर्मी के दिनों में काफी ज्यादा दिक्कत होती है उन मुसाफिरों को जो जिसके पास रुकने के लिए जगह नहीं होती है? अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर बस आश्वासन यही दे सकता हूँ मैं कि काम बहुत स्पीड अप है और जल्दी हो जाएगा। फिलहाल NH पर ही बस स्टैंड बना हुआ है लेकिन झोपड़ी से टोकन काटा जाता है। अब देखना होगा कि इस झोपड़ी का कब तक कायाकल्प होता है और कब तक लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। रांची के बुंडू से अमित दत्ता की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।